वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में आज हम एमएस एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज एमएस एक्सेल, व्हाट इज द नीड ऑफ एमएस एक्सेल, हाउ वी कैन क्रिएट एन एमएस एक्सेल फाइल और हाउ वी कैन स्टार्ट एमएस एक्सेल। तो ये सब सीखने के लिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, जहां पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए एमएस एक्सेल की एक फाइल ओपन करके रखी है। तो चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। अभी आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहां पर आप एक फाइल देख रहे हैं और ये एमएस एक्सेल की फाइल है। देखिए, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी आप इसको बोल सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट मिलती है या वर्किंग एरिया मिलता है, जहां पर आपको काम करना है, जहां पर आपको डेटा एंटर करना है, वो जो एरिया आपको मिलता है, जैसे यहां पर ये एरिया है, तो ये रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। इसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक स्मॉल बॉक्स बनता है। उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को सेल कहते हैं और उसी सेल के अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये F एंटर किया है। इसी तरह से आप इसमें से डेटा को हटा भी सकते हैं, इन्हीं सेल्स के अंदर आपको डेटा को एंटर करना होता है। ये जो ABCD आप देख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये रोज हैं। तो ये क्योंकि रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये एक मैथमेटिकल टूल भी है। मैथमेटिकल टूल क्यों है इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। यहां पर आप फॉर्मूलाज पर क्लिक करें तो ये देखिए, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब क्या है? ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं। फाइनेंशियल में ये फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, ये लॉजिकल फार्मूलाज हैं, ये टेक्स्ट के फार्मूलाज हैं, ये डेट एंड टाइम के फार्मूलाज हैं, एंड सो ऑन। तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं, ये जो आप डेटा एंटर करेंगे उसके ऊपर ये फार्मूला एंड फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। इसके अंदर हम ग्राफ्स एंड चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाटा को समराइज करने के लिए पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर हम डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो भारी भारी वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, पाइवट टेबल्स, डैशबोर्ड्स, जैसे जैसे हम एमएस एक्सेल को सीखेंगे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये एक मैथमेटिकल टूल भी है। तो अभी हमें ये देखना है कि इस फाइल को मैंने क्रिएट कैसे किया है। तो सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने कुछ इसमें काम नहीं किया, तो इसको मैं डॉन्ट सेव पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे इसको स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो हैश का सिंबल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ABCD लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप ई पे क्लिक करें क्योंकि एमएस एक्सेल एक्सेल जो है वो ई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। ये देखिए, ई से एवरीथिंग है और ई से एक्सेल है। मुझे एक्सेल की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और मेरे सामने एमएस एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ये तो बहुत से छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, ये सब टेम्पलेट्स हैं। इनके बारे में भी जानकारी हम हासिल करेंगे लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। तो इधर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी थोड़ी देर पहले या कल तक मैंने कभी खोले होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एमएस एक्सेल की फाइल आपके सामने ओपन हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। वन, अब सेकेंड मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें, ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आप एक्सेल लिख दें। जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे तो आप यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ओपन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ओपन पर सिंगल क्लिक करें तो आपके सामने एमएस एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको ब्लैंक वर्कशीट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दें। देखिए, जितनी बार भी मैंने ये बनाया है तो इसका नाम देखिए बुक वन होता है बाई डिफॉल्ट। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट मेथड क्या है? कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है विंडो का, उसके साथ आपने आर को प्रेस करना है। ठीक है, विंडो और आर को यदि आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पर्टिकुलर बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसको इसके अंदर आपने एक्सेल टाइप करना है। एक्सेल टाइप करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल 2019 की फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। घबराएं नहीं, एमएस 19 और 21 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ डायनेमिक एरेज का फर्क है। वो हम जब तक उस पर पहुंचेंगे तो उसको भी कर लेंगे, ये बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही है।
तो अभी मैंने आपको तीन मेथड्स बता दिए, इसका एक और मेथड है, उसको जानने के लिए आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर शॉर्टकट मेन्यू के थ्रू उसको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पर यहाँ पर न्यू की ऑप्शन आएगी। जब राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कहीं भी राइट क्लिक करें न्यू की ऑप्शन आएगी, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक कर दें। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आइकन बन के आ जाएगा। अब आप इसका जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दिया स्टूडेंट वन, तो मैंने इसका नाम स्टूडेंट वन दे दिया। कहीं भी साइड पे क्लिक करें तो ये आइकन क्रिएट हो गया। अब इसको ओपन करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा और इसका नाम है स्टूडेंट वन, क्योंकि मैंने खुद इसका नाम दिया है। आप चाहें तो बिना नाम दिए भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, तब इसका नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट शीट होगा। ठीक है, तो इसको अभी हमने सीखा कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लिक करके, दूसरा सर्च बॉक्स के थ्रू, तीसरा विंडो और आर के थ्रू, और चौथा जो है वो आप राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू में जाकर इसको समझ सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे वर्किंग एरिया को समझेंगे, इसके इंटरफेस को समझेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्किलशाला से जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का भी आपको पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।